हाँ, वो औरत है तो बूढ़ी और ऊपर से बीमार भी है। तो जहां तक मुझे आयशा ने बताया तो समझ तो यही आ रही है कि वो उनके साथ बदमाशी की जा रही है, तंग कर रहे हैं उन्हें। तुम ठीक कह रहे हो, चांसेस तो 50-50 हैं, लेकिन तुम बात तो करके देखो। और जहां तक रही बात कि उनके घर से जेवर बरामद हुआ है, वो तो तुम्हें पता ही है, पुलिस वालों की चालाकियां होती हैं। हाँ, तो करो ना बात, बस कोशिश करना कि शाम से पहले वो घर आ जाए। हाँ चल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वाह चीमा साहब वाह, मैं क्या सुथरी कार्रवाई डाली है यार। मैंने सारा तमाशा देखा है, मान से उतना ही मजा आया जैसे फिल्म देखने का मजा आता। यार तुम ऐसा करो कि उन लड़कियों पर जोर जबरदस्ती करके अपना काम निकलवाओ। मैं फड़फड़ाने दो, अभी उधर माँ को इधर बेटियों को। आप बड़े जालिम हो, तो इतना जुल्म करना पड़ता है चीमा साहब, जुल्म भी करना पड़ता है यार। ज्यादा देर नहीं लगानी बशीर, पर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। एक तो वो वुमेन पुलिस वाली है ना शबनम, यार वो थोड़ी डरपोक है। आपने एफआईआर तो काट दी ना यार। इतनी जल्दी नहीं है, मुझे एफआईआर कट गई ना तो सया पर लंबा हो जाना है। यार तुम कोशिश करो कि आज और कल में ही सारा मामला निपट जाए। हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। चाहिए ऑफिस। और अबे ओ नेस्तियों, वे उठो। क्या बाप, सारे ख्वाब का बड़ा गर्क कर दिया तुमने। दिखाऊंगा तुझे ख्वाब अभी मैं। नीचे ही क्या खबर है बाबा? शोक का आलम है नीचे, माँ को पुलिस ले गई है बेटिया के लिए। फिर और भी अच्छा है, हम भी नीचे चलते हैं ना अब्बा। आराम से बैठो, मैं जरा जाके पहले इनके जख्मों पे नमक छिड़कूं, फिर देखते हैं क्या करना।